Hello dear children, today I am telling you about myself. Myself means मेरा परिचय. मेरा परिचय क्या होता है? यानी कि आपको अपने बारे में बताना. आपका नाम क्या है? आप girl हैं, boy हैं? आपकी age क्या है? तो dear children, today we are talking about myself. I have given a picture of a boy and a girl. And the name of the boy is Ravi. He is a boy. ये मैंने एक boy की फ़ोटो ली है. इस boy का नाम है Ravi. और Ravi क्या है? लड़का, यानी कि boy. So dear children, जब मैंने Ravi से पूछा what is your name? तो Ravi ने मुझे क्या बताया? My name is Ravi. यानी कि ऐसे ही जब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको क्या बताना है? माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, जैसे शौर्य, माय नेम इज़ शौर्य, माय नेम इज़ दिवित. ओके चिल्ड्रन, ये तो होगी फर्स्ट थिंग, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका नाम है. दूसरी बात आपको क्या बतानी है? आई एम अ बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूँ. अब देखिए गर्ल्स कैसे बताएंगी. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, हर नेम इज़ राशि, शी इज़ अ गर्ल. तो मैंने राशि से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो राशि ने मुझे बताया माय नेम इज़ राशि. उसके बाद राशि ने मुझे बताया आई एम अ गर्ल. इसी तरह आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो सभी गर्ल्स क्या बोलेंगी? My name is Janvi. My name is Krisha. And I am a girl. Okay children, one thing, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप नेम लिखते हैं, आप अपना नेम लिख रहे हैं, अपने फादर का, मदर का, सिस्टर का, किसी का भी नेम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल आएगा. अगर आप रवि को ऐसे लिखेंगे स्मॉल में तो गलत हो जाएगा. आपको कैपिटल में आर, फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखना है. तो रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी नाम है, रवि, रचित, राज, वॉट एवर योर नेम, फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल फॉर्म. एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर गर्ल्स नेम. गर्ल्स नेम है, बॉयज़ नेम है, फर्स्ट लेटर should be capital. So dear children, learn it carefully. Thank you children.